My name is Pratima Bharti and welcome to my channel. Today in this video I am going to share with you past perfect passive. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ past perfect passive. Past perfect passive क्या होता है guys? समझते हैं. दोस्तों सबसे पहले आपको passive समझने के लिए active समझना होगा ताकि आप अच्छे तरीके से पैसिव समझ सके. दोस्तों पास्ट परफेक्ट आप किस सिचुएशन में यूज करते हो? सिचुएशन ये होता है गाइस, जैसे मेरी डॉटर के घर पहुंचने से पहले मैंने कमरा साफ कर लिया था. जैसे मान लो कि मेरी डॉटर सुबह में ब्रेकफास्ट वगैरह करके वो कॉलेज चली गई और मैं किसी को बता रही हूँ कि मेरी डॉटर के घर पहुंचने से पहले मैंने कमरा साफ कर लिया था. तो जरा आप बताना गाइस, जब मैं कमरा साफ कर रही थी तो मेरी डॉटर घर आ गई थी? नहीं. हो सकता है कि मेरी डॉटर कॉलेज में होगी, हो सकता है कि मेरी डॉटर रास्ते में होगी. यानी जब मेरी डॉटर घर पे नहीं पहुंची थी तो उससे पहले ही मैंने कमरा साफ कर लिया था. अभी मैं किसी को बता रही हूँ कि मेरी डॉटर को घर पहुंचने से पहले मैंने कमरा साफ कर लिया था. तो इस सिचुएशन में दोस्तों आप यूज करते हो पास्ट परफेक्ट का. क्लियर है? अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर. एक्टिव का पॉजिटिव स्ट्रक्चर है गाइस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फिर इसके बाद आपको पुट करना होता है सेकेंड एक्शन, यानी जो लास्ट में काम हुआ है. बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल से समझते हैं. मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी पत्नी ने कमरा साफ कर दिया था. मेरे घर पहुंचने से पहले यानी जब मैं घर नहीं पहुंचा था, मेरी पत्नी ने कमरा साफ कर दिया था. यानी जब मैं घर नहीं पहुंचा था तो उससे पहले ही मेरी पत्नी ने कमरा साफ कर दिया था. तो यहाँ पे फर्स्ट एक्शन क्या है? फर्स्ट एक्शन है मेरी पत्नी ने कमरा साफ कर दिया था. और सेकेंड एक्शन है मेरे घर पहुंचने से पहले. तो फर्स्ट एक्शन आपका क्या है गाइस? मेरी पत्नी ने कमरा साफ कर दिया था. तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है मेरी पत्नी यानी मेरी वाइफ. मेरी वाइफ ने कमरा साफ कर दिया था यानी सब्जेक्ट किसी कार्य को खुद अंजाम दिया था. सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म खुद किया था यानी सब्जेक्ट डूअर था. तो ये हो गया गाइस आपका एक्टिव सेंटेंस. यानी एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद डूअर होता है, इसीलिए है एक्टिव सेंटेंस. क्लियर है? अब यहाँ पे है गाइस पैसिव सेंटेंस. मेरे घर पहुंचने से पहले कमरा साफ कर दिया गया था. इस सेंटेंस में है मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी पत्नी ने कमरा साफ कर दिया था. यानी सब्जेक्ट यहाँ पे डूअर था, मेरी वाइफ सब्जेक्ट था. और सब्जेक्ट किसी कार्य को खुद अंजाम दिया था, सब्जेक्ट किसी कार्य को खुद परफॉर्म किया था. लेकिन इस सेंटेंस में है गाइस मेरे घर पहुंचने से पहले कमरा साफ कर दिया था. इस सेंटेंस में कमरा साफ कौन किया था? कुछ पता नहीं है. कमरा साफ कर दिया गया था तो इस सेंटेंस में गाइस आपका सब्जेक्ट है कमरा. कमरा कुछ नहीं किया यानी रूम कुछ नहीं किया, रूम के साथ कुछ हो गया. क्या हुआ? रूम के साथ साफ कर दिया गया. यानी इस सेंटेंस में गाइस सब्जेक्ट किसी कार्य को अंजाम नहीं दे रहा था बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हो रहा था. यानी सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर था, सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया था बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हो गया था. तो जब कभी भी दोस्तों सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर हो, सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म ना करे, कोई एक्टिविटी ना करे, कोई कार्य ना करे बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हो जाए, तो इस सिचुएशन में दोस्तों ये होता है आपका पैसिव सेंटेंस. क्लियर है? अब हम लोग इसे ट्रांसलेट करते हैं. मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी पत्नी ने कमरा साफ कर दिया था. तो सबसे पहले आपको यूज करना है फर्स्ट एक्शन. फर्स्ट एक्शन है मेरी पत्नी ने कमरा साफ कर दिया था.
तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है मेरी पत्नी यानी माय वाइफ। तो सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका है माय वाइफ। फिर इसके बाद हेड, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब है साफ करना यानी क्लीन, और क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। क्या साफ करना, कमरा, क्लीन्ड द रूम। फिर इसके बाद आपको यूज करना है गाइस सेकेंड एक्शन, मेरे घर पहुंचने से पहले बिफोर। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मेरे घर पहुंचने से पहले यानी आई। फिर पुट करना है गाइस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब आपका है पहुंचना, और पहुंचना का इंग्लिश रीच, और रीच की सेकेंड फॉर्म रीच्ड। कहां, घर, होम। मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी पत्नी ने कमरा साफ कर दिया था। माई वाइफ हैड क्लीन द रूम बिफोर आई रीच्ड होम। ये हो गया आपका गाइस एक्टिव सेंटेंस। अब हम लोग समझते हैं पैसिव का स्ट्रक्चर। पैसिव का पॉजिटिव स्ट्रक्चर है गाइस सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा है, नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, कोई एक्शन नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। प्लस हैड बीन आपको यूज करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज किया जाता है। फिर इसके बाद आपको जरूरत पड़े तो जरूरत के अनुसार आप बाय लगाकर डूअर को दिखा सकते हो। फिर इसके बाद आपको यूज करना है गाइस सेकेंड एक्शन, यानी जो लास्ट में आपका एक्शन हुआ है। बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, मेरे घर पहुंचने से पहले कमरा साफ कर दिया गया था। मेरे घर पहुंचने से पहले यानी जब मैं घर नहीं पहुंचा था तो उससे पहले ही कमरा साफ कर दिया गया था। तो सबसे पहले कौन सा एक्शन हुआ है, कमरा साफ कर दिया गया था, ये है आपका फर्स्ट एक्शन। तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है कमरा यानी रूम, द रूम। फिर इसके बाद यूज करना है हैड बीन, द रूम हैड बीन साफ कर दिया गया था, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है क्लीन, और क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। मेरे घर पहुंचने से पहले, तो फिर यूज करना है बिफोर। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मेरे घर पहुंचने से पहले यानी आई, बिफोर आई। फिर इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब आपका है रीच, और रीच की सेकेंड फॉर्म रीच्ड। रीच्ड कहां, घर, होम। मेरे घर पहुंचने से पहले कमरा साफ कर दिया गया था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड बिफोर आई रीच्ड होम। ये हो गया गाइस आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर पैसिव का। अब हम लोग समझते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर पैसिव का। इसका स्ट्रक्चर है गाइस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका कैसा है, नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद जरूरत के अनुसार आप बाय लगाकर डूअर को दिखा सकते हो। फिर इसके बाद आएगा सेकेंड एक्शन, यानी जो लास्ट में आपका एक्शन हुआ है। बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, उसके आने से पहले मुझे सूचित नहीं किया गया था। उसके आने से पहले, ये हो गया आपका सेकेंड एक्शन, मुझे सूचित नहीं किया गया था, यानी जब वो नहीं आया था तो उससे पहले मुझे सूचित नहीं किया गया था, मुझे सूचित नहीं किया गया था, ये है आपका फर्स्ट एक्शन। तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट है आई, फिर इसके बाद हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, फिर पुट करना है गाइस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब आपका है सूचित करना, और सूचित करना का इंग्लिश इनफॉर्म, और इनफॉर्म की थर्ड फॉर्म इनफॉर्म्ड। फिर इसके बाद आपका आएगा सेकेंड एक्शन, उसके आने से पहले बिफोर, फिर पुट करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है सेकेंड एक्शन में उसके आने से पहले यानी ही, बिफोर ही। फिर इसके बाद यूज करना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब है आना यानी कम, और कम की सेकेंड फॉर्म केम, ही केम। उसके आने से पहले मुझे सूचित नहीं किया गया था, आई हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड बिफोर ही केम। ये हो गया गाइस आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा है नॉन डूअर है, सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करेगा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा, यानी सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर है। प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि आपको जरूरत पड़े तो जरूरत के अनुसार आप बाय लगाकर डूअर को दिखा सकते हो। फिर इसके बाद आपको पुट करना है सेकेंड एक्शन, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अब हम समझते हैं इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल यहाँ है, क्या पुलिस के आने से पहले उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया था, क्या पुलिस के आने से पहले, ये हो गया आपका गाइस सेकेंड एक्शन, उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया था, उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया था, ये है आपका फर्स्ट एक्शन। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया था, यानी ही, सब्जेक्ट है ही। तो सबसे पहले आपको यूज करना है हैड स्ट्रक्चर के अनुसार, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट आपका कैसा है नॉन डूअर है, सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। फिर इसके बाद पुट करना है गाइस बीन, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब है पहुंचा दिया गया था यानी ले जाया गया था, टेकन कहां अस्पताल, टेकन टू हॉस्पिटल, पुलिस के आने से पहले यानी सेकेंड एक्शन बिफोर, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है पुलिस, फिर इसके बाद पुट करना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब है आना, और आना का इंग्लिश कम, और कम की सेकेंड फॉर्म केम, पुलिस केम, हैड ही बीन टेकन टू हॉस्पिटल बिफोर पुलिस केम, क्या पुलिस के आने से पहले उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया था। ये हो गया आपका गाइस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस। अब हम लोग समझते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका कैसा है नॉन डूअर है, सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि आपको जरूरत पड़े तो जरूरत के अनुसार आप बाय लगाकर डूअर को दिखा सकते हो। फिर इसके बाद पुट करना है सेकेंड एक्शन, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, क्या मेरे घर पहुंचने से पहले खाना नहीं बनाया गया था, क्या मेरे घर पहुंचने से पहले, ये हो गया आपका सेकेंड एक्शन, खाना नहीं बनाया गया था,
ये है आपका फर्स्ट एक्शन। तो सबसे पहले यूज करना है स्ट्रक्चर के अनुसार हेड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट। फर्स्ट एक्शन में सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है खाना नहीं बनाया गया था, यानी सब्जेक्ट है खाना, फूड। फिर पुट करना है गाइस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब है बनाना। आप यहाँ पे कुक का भी यूज कर सकते हो और मेक का भी यूज कर सकते हो। कुक्ड, मेरे घर पहुंचने से पहले, यानी सेकेंड एक्शन है बिफोर। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, मेरे घर पहुंचने से पहले, सब्जेक्ट आपका है आई। फिर पुट करना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब है रीच, और रीच की सेकेंड फॉर्म रीच्ड। कहां? घर, होम। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले खाना नहीं बनाया गया था? Had food not been cooked before I reached home? ये हो गया गाइस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।